हमने अपनी बाजें दम तक पहुंचाया जाए और वक्त बना के उसको सुना जाए। आपकी जोरदार ताली में आपके पैगंबर, आपकी आवाज, आपकी जोरदार ताली में आपकी जोरदार ताली में खुदा के पाक कलाम में से इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखे, मुझे पता है कि मेरे पास वक्त है कि खुदा के कलाम की मुलाकात कर सकूं। और आज मैं शिफा के बारे नहीं बयान कर रहा, शिफा के बारे यहां पर मैसेज नहीं होगा, ना ही तौबा के बारे मैसेज होगा। खुदा ने मुझे पैगाम दिया है और मैं इस पर ईमान रखता हूं। जो शख्स खुद अपने ऊपर यानी कि वो भरोसा नहीं रखता कि वो बरकत नहीं पा सकता, क्यों जी ऐसा है कि नहीं, उसको अपने ऊपर एतमाद करना होगा, उसको अपने आप पर एतमाद करना होगा कि मैं किसके पास जा रहा हूं, मैं किसके पास जा रहा हूं, कि वो मुझे यकीनन कि वो मुझे बरकत देगा, कि मैंने उसके साथ उफा किया है और आज मैं उसके साथ तफाक करकर मैं यहां पर आया और वो मुझे आज बरकत देगा। शिफा के बारे तुम चर्चों के अंदर या कन्वेंशनों के अंदर हम सुनते हैं, शिफा 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 के अलावा यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत कुछ और भी बहुत कुछ कहा है, और भी बहुत कुछ झड़का है। और आज बच्चों ने बहुत अच्छी प्रदर्शन की, ये नहीं कि बाकी लोगों ने जो यहां पर आए उन्होंने प्रदर्शन नहीं की, उन्होंने भी प्रदर्शन की है और भेदों ने प्रदर्शन किया है। खुदा के मस्ता को मैंने कि यहां पर महसूस किया है। एक जगह की बात है, 2015 की बात है, हम यहां से लाहौर से फैसलाबाद हम गए, लाहौर से फैसलाबाद हम गए और प्रत्यक्ष हुई, कलाम हुआ और आखिरी वक्त था कि लोग शफा पाने को के जो आए थे। मैंने खुदा के वो खुदा का खादम था, खुदा का ममसू था जो प्रत्यक्ष कर रहा था, मैंने उससे कहा कि आपने प्रत्यक्ष को रोकना नहीं, आपने प्रत्यक्ष को जारी रखना है कि जब तक खुदा का रूह काम करता रहे। और यकीन जानिएगा कि वहां पर खुदा का मस्ता उतरा, खुदा का मस्ता वहां पर आया और उसने बहुत से बीमारियों के बंधन तोड़े और बहुत से बंधन जो के वो खुल गए, बंधन खुल गए बीमारियों से कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, यानी कि शफा पाते हुए, रहाई पाते हुए, बदरुओं से आजाद होते हुए कि मैंने देखा है। ऐसी प्रत्यक्ष खुदा के ममसू ने की, जो रूह और सच्चाई से जो प्रत्यक्ष करता है वहां पर खुदा का रूह जो है कि वो उतरता है और काम करता है। हालेलुया हालेलुया। आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को हिलाएं। हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
खुदा के कलाम को हम खोलेंगे और अंजील मुबशर बिकता बशी कवैया पर आएंगे। आपके पास खुदा का कलाम है, किताब मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस है, आप बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा। और दूसरा सरातीन और चौथा बाप उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम की हम तलावत करेंगे और खुदा के कलाम को हम आज हम यहां से सीखकर और बरकत पाकर जाएंगे। साथ किया था हंजीर बबशर बिकता बशीर जो है कि वो पढ़ेंगे। हालेलुया, हम खुदा के कलाम पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। और यूं लिखा है, और अंबिया जादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शोहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था, और अब वो कर्ज को आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना, फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया, और वो उसके पास आते जाते थे और वो उडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से कि आज जो तलावत की गई, खुदा का कलाम जो पढ़ा गया है, यकीनन मैं इस पर ईमान रखता हूं कि आप इस कलाम से क्या बरकत पाकर जाएंगे, आप बरकत क्या लेकर जाएंगे। और आज हम ये सीखेंगे कि बीज बोना और खुदा पर भरोसा रखना, बीज बोना और खुदा पर भरोसा रखना। और बहुत से लोग हैं कि वो बीज बोने से कि वो अपनी मुट्ठियां जो है कि वो बंद करते हैं, अपनी मुट्ठियां जो है कि वो खोलते हैं, अपनी मुट्ठियों को वो यंगे वो बंद कर देते हैं, वो बीज बोना पसंद नहीं करते, वो अपने आप को खर्च करना नहीं चाहते कि मैं खुदा के लिए खर्च हूं, मैं खुदा के लिए के खर्च हूं। लेकिन खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि मैं इसको अपने लिए इस्तेमाल करूं, खुदा चाहता है कि मैं इसको अपनी कलीसिया को, अपने खास को खो, अपने लोगों को कि मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं, चाहे वो मुश्किलात के अंदर है, चाहे उसके हालात खराब है, चाहे उसके हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं इनको इस्तेमाल करूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई मुश्किलात आती है, अगर हालात खराब होते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर करने की जरूरत है,
हमें अपने ऊपर बाहर करने की जरूरत है कि ये हालात खराब क्यों हो रहे, ये हालात खराब क्यों हो रहे हैं, हालात खराब होने की वजह क्या है। मुश्किल आने की वजह क्या है और हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। खुदा क्या चाहता है उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। खुदा के कलाम को देखिए, एक औरत जैसे आज बड़ी मुश्किलातों के अंदर के लोग पड़े हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोगों को नबी की जरूरत है, आज भी नबी की जरूरत है कि नबी जो है कि वो खड़े हो, कि नबी आए, नबी कलीसिया के अंदर हो ताकि उनके वसीला से, उनके वसीला से उनके हालात, उनकी मुश्किलात के जो आई है किसकी वजह से आई है, लेकिन कि वो जाहिर की जाए, कि वो बताई जाए, लेकिन नबी जो है कि वो नबूवत करता है। हालेलुया, नबी जो है कि वो नबूवत करता है, और जहां नबूवत है याद रखें वहां पर सफाई होती है, वहां पर सफाई होती है, वहां पर इंसान जो है कलीसिया जो है वो दुरुस्त होती है, कलीसिया जो है तो वो ठीक होती है, क्योंकि यीशु जो है कि वो जल्द आने वाला है। उसने कहा कि देख कि मैं जल्द आने वाला हूं, कि मैं जल्द आने वाला हूं, लेकिन यीशु जो है वो वाकई उसका वक्त करीब है, उसका वक्त करीब है, उसकी आपके सारी करीब है, लेकिन हालात ये ना कहे कि हालात बेहतर होते जाएंगे, ये ना सोचे कि हालात अच्छे होते जाएंगे, लेकिन मत्ती मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर आप देखें लिखा कि हालात और भी खराब होते जाएंगे, कौन पर कौन चढ़ाई करेगी, कभी ऐसे ही है, कौन पर कौन चढ़ाई करेगी, जगह जगह पंचायत आएंगे, काश पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह जब वो दुनिया में था उसने ये पेशन को ये पहले ही की। हालेलुया, और वो कलाम जो है कि आज हम देखते हैं कि वो पूरा हो रहा है। हालेलुया, उसका कलाम सच्चा है, उसकी नबूवतें सच्ची है, उसकी पेशन को ये सच्ची है कि जो आज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालात जैसे भी हैं लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्या होगा आगे क्या होगा, नहीं, हमें कायम रहने की जरूरत है, हमें मजबूत रहने की जरूरत है, हमें उसके साथ लिपटने की जरूरत है, उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, उसकी फेलोशिप के अंदर रहने की जरूरत है, उसकी फेलोशिप के अंदर निकलने की हमें जरूरत नहीं है, जो निकल गया कि वो रह गया, उसकी फेलोशिप के अंदर हमें रहना है। हालात खराब हो जाए, हालात बिगड़ जाए, लेकिन उसके अंदर हमें रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, इस औरत के ऊपर गौर करें, इसके हालात खराब है, इसके हालात खराब है, मुश्किलात के अंदर है, परेशानी के अंदर परेशानी में है, मुश्किलात के अंदर है, लेकिन कलाम को देखें वो किसके पास आई, अभी वो अलीशा के पास, मर्दे खुदा के पास कि वो आई है, किसके पास, किसके पास,
बंदे खुदा अलीशा के पास कि वो आई है। हालेलुया हालेलुया। और याद रखिएगा, और ये ईमानदार बंदी है, ये खुदा के नबी की बीवी है, जो खुदा से डरता है, जो अलीशा का शगीरत है। अबिया यादों में से कि ये औरत जिसका शोहर मर गया है, जिसका शोहर मर गया है और वो खुदा से डरता है, लेकिन औरत जो है कि वो आकर मरते खुदा को अलीशा को कि वो बताती है, तेरा आदम मेरा शोहर कि मर गया है, जो खुदा से डरता है। अब देख कस खबा मेरे दरवाजे पर है, मेरे घर पर है, मेरे दो बेटे थे कि वो उनको ले जाएंगे, कि वो उनको ले जाएंगे, उनको गुलाम बना लेंगे, उनको क्या बना लेंगे, गुलाम बना लेंगे कि कुछ कर, कि कुछ कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे बेटों को ले जाए और गुलाम बना ले। अहमद दे खुदा अलीशा के कुछ कर, मेरी मदद कर, वो मदद के लिए आई है। तो वो मदद के लिए आई है। और आज भी याद रखे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो खातों के ऊपर उनकी आंखें हैं। आपको मानना पड़ेगा आज भी बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें खापों के ऊपर है, लेकिन होनी चाहिए, लेकिन इसकी आंखें जो है कहां पर है, मर्दे खुदा पर, अलीशा पर है, क्योंकि उसके पास आई है, वो उसके पास आई है मदद मांगने के लिए, मदद के लिए। लेकिन आगे आवाज क्या आती है, औरत को आवाज क्या मिलती है, मध्य खुदा अलीशा कहता है कि मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं, कि मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, कि मुझे बता। वो आगे बात को जारी रखता है, वो अपनी बात को रोकता नहीं, वो अपनी बात को जारी रखता है, लेकिन वो औरत है वो वहां पर ही कब खड़ी है। अलीशा मध्य खुदा अपनी बात को वो जारी रखता है कि मुझे बता कि तेरे घर में, तेरे घर में तेरे पास है क्या, तेरे पास तेरे घर में क्या है कि मुझे बता। कलाम में लिखा है अब उसने सच बोला है, उसने क्लियर बताया है जो कुछ उसके घर में है, जो कुछ घर में पड़ा है उसने बिल्कुल साफ साफ मदे खुदा अलीशा को बता दिया है। तेरी बंदी तेरी लौंडी के पास एक प्याला तेल का मेरे घर में, मेरे घर में एक तेल का प्याला है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, एक प्याला तेल का मेरे घर में है। ईशा की बात को समझिएगा, मध्य खुदा की बात को समझिएगा, वो कहां पर उसको लेकर जाना चाहता है। आज कादम जो है क्रिस्टिया को कि वो कहां पर लाना चाहते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते, कि वो आना नहीं चाहते, उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे के लिए कि वो उनको कहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं ये तो अपने फायदे की बात,
करते हैं, ये तो अपने फायदे की बात करते हैं, लेकिन उनके फायदे की बात होती है। मर्दे खुदा आलीशान जो है, अब जो बाप उस औरत के साथ कि वो करना चाहता है, उसको समझाना चाहता है, और आप मुझे और आपको कि वो यहां पर खुदावन यीशु जी को समझाएगा, वो हमें सिखाएगा। अब औरत कहती है कि मेरे पास कल एक प्याला तेल का पड़ा है। ओह, वहां से उसे पैगाम अलीशा देता है कि तू ऐसा कर, कि तू ऐसा कर, वहां पर नबी, वहां पर मर्द खुदा है, उसके साथ कलाम कर रहा है, खुदा का मुंह वहां पर है, खुदा उसमें होकर वो उस औरत के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी भाजा के साथ वो कलाम करता है। हालेलुया, 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 बोले हालेलुया। प्रेज होशा बाबा रहीश, कलाम में लिखा है, वो कहता है मर्द खुदा औरत को कहता है कि तू ऐसा कर, अब यहां से वापस रवाना हो जा, यहां से चली जा, कि ऐसा कर अपने मसायों के पास जा, अपने मसायों के घर में जा, और वहां पर जाकर बर्तन ले, लेकिन बर्तन थोड़े ना हो, बर्तन कम ना हो, जहां तक हो सके के बर्तन के लिए, लेकिन कहां से, मजाक से नहीं, अपने मसायों से। लेकिन हम मसाए जो है, आपको पता है आज मसाए जो है जैसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं है जैसे यीशु ने देखना चाहता है, लेकिन उस तरह के आज मसाए नहीं है। लेकिन उस वक्त की बात है, वो अपने जमाने में कहता है कि अपने मसाओं के पास चली जा, और वहां पर उनसे बर्तन ले, लेकिन थोड़े बर्तन नहीं, बहुत से बर्तन ले ले। कलाम में लिखा है वहां से वो पैगाम लेकर, वहां से वो पैगाम लेकर कि वो चली जाती है, अपने मसाओं में चली जाती है, अपने पड़ोसियों के पास चली जाती है, वो उनसे कहती है कि मुझे बर्तन दो, मुझे बर्तन दो। कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है, जो कलाम मते खुदा ने उसके अंदर रखा है, उस कलाम के वसीला से मसाओं के दिल जो है कि खुदा ने खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, उस कलाम के वसीला से, उस कलाम के सबब से मसायों के दिल जो है कि वो खुल जाते हैं, जेल खुल जाते हैं, आगे खुल जाते हैं, आगे खुल जाती है, मुद्दियां खुल जाती है कि इसको जरूरत है, इसको जरूरत है, इसको जरूरत है, ये मुश्किलात के अंदर है, ये परेशानी में है, इसके हालात ठीक नहीं है, इसके हालात खराब है, और हम इसकी मदद के लिए तैयार है, इसकी मदद के लिए खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के लिए मदद के लिए खड़ा हो जाते, तैयार हो जाते। मैं ये नहीं कहता कि सब आज खादम भी ऐसे हैं, लेकिन जो दूसरे खादमों के लिए खड़े हो जाते हैं, दूसरे खादमों के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन खुदा चाहता भी यही है कि दूसरे खादमों के पास जाए, जो कमजोर है, जो कमजोर है उनके पास जाए, उनका हाथ पकड़े, उनका हाथ पकड़ के उनको उठाए, उनको खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पौलुस ने भी ये कहा, पौलुस ने भी कहा है कि कमजोरों को दरासा दो, जो कम कम कमजोर, जिनमें कम
यानी के जोड़ है उनके लिए है। होलसेल का सबाब बनो उनको, यानी के उठाओ उनको, खड़ा करो ताकि वो खेल ना पाए, ताकि तुम्हारी वजह से कि वो क्या हो जाए, वो खड़ा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि वहां से खुदा की बंदी जाती है और अपने मसाओं से वो बर्तन मांगती है और बहुत से बर्तन जो है वो अपने घर में वो जमा कर लेती है। उसके बेटे उसके साथ, हालेलुया, उसके बेटे उसके साथ है, बहुत से बर्तन वो जमा कर लेती है। कलाम में लिखा है जैसे जैसे मर्द खुदा ने उसको बताया उसके मुताबिक वो करती गई। पहले उसने कहा कि तेरे घर में तेरे पास क्या है, उसने बताया एक प्याला तेल, एक प्याला तेल का। फिर उसने कहा कि अपने मसाओं के पास जा और अपने मसाओं के पास गए। फिर मर्द खुदा ने कहा जब कमरे के अंदर जाए और पीछे से दरवाजा बंद कर दे। और कलाम में लिखा है उसने वैसा ही किया, अपने बेटों को अपने साथ लिया और दरवाजा बंद किया। अब उस कमरे के अंदर आप देखिए खुदा की कुदरत को, देखिए खुदा के जलाल को, देखिए मौजूदात को। कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है अब वो खुदा की बंदी वो प्याले को लेती है और अपने बेटे को कहती है कि बंदर ला। वो बंदर लाता है और वो प्याला तेल का जब वो लेती है तो वो बंदर मर जाता है। फिर एक और बंदर लाता है, फिर उसके ऊपर फिर वो प्याला लेती है तो वो बंदर मर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सभी बंदर जो है वो मर जाते हैं। हालेलुया, ऐसा ऐसा वो सभी बर्तन जो के वो बढ़ जाते हैं। वो कहती है अपने बेटे से, हो फरमाती है, कहती है कि हो बर्तन ला। उसका बेटा फरमाता है कि बर्तन अब खाली रहा नहीं, अब कोई बर्तन रहा नहीं। कलाम में लिखा है अब इसने क्या किया है कि जो सारे बर्तन यानी भर गए, सारे बर्तन जो भर गए हैं, इसने किया क्या है कि जिसकी वजह से अब इसके हालात बदलने वाले हैं, इसके हालात तब्दील होने वाले हैं, अब मुश्किल जाने वाली है, अब परेशानी जाने वाली है। अब इसने किया क्या है, अब उसने किया ये है कि उसने बीज बोया है। क्या बोया भी उसने बीज बोया है, फिर उसके ऊपर यानी कि खुदा के ऊपर उसने एतवार रखा है, उसने भरोसा रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।